अच्छा स्माइल नहीं कर रहे आप लोग, दांत दिख लीजिए सबके, ग्रेट। सबसे पहले तो पूरे हिंदुस्तानियों को, पूरे हमारे किसान भाइयों को बैसाखी दी लख लख बधाई हैं। आज बहुत अच्छा त्यौहार है, हालांकि 13 तारीख को है लेकिन हम आज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं डिवाइन टच के बच्चों के साथ। और डिवाइन टच को रन करते हैं ऑलमोस्ट 6 साल हो गए मुझे, और 4000 गर्ल्स यहाँ से यू नो पढ़ लिख के गई हैं, कोर्स करके गई हैं। बेसिकली डिवाइन टच है जहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट, ब्यूटी पार्लर, स्टिचिंग कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, एजुकेशन, अंडर प्रिविलेज गर्ल्स जो हैं उनको हम ये देते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि कपिल पाजी आ जाए हैं और बच्चे बहुत खुश हो गए हैं इनको देख के। सो पिछले 2 साल से हमारा मुंबई में सेंटर नहीं चल रहा था लेकिन दिल्ली में चल रहा था, अभी हमने दोबारा से इसको स्टार्ट करा है और खुशी है कि और बच्चों को हम ट्रेनिंग दें, उनको सही रास्ता दिखाएं। कपिल सर आपसे जानना चाहेंगे, बच्चे के साथ काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, आपको कैसा लगा? जी मुझे वैसे ही बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, प्योर सोल्स हैं ये। और आज इस बात की और भी खुशी है कि हम लोग डिवाइन टच के साथ यहाँ पे जो सेंटर ओपन हुआ है, सो आज हमें भी मौका मिला आज बैसाखी बच्चों के साथ मनाने का। और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं बिकॉज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और थैंक्स टू मिका पाजी, आज इनकी वजह से हमने बच्चों के साथ इतना अच्छा समय बिताया। सो बच्चे हैं जो भी यहाँ पे सेंटर पे सरप्राइज, ये एक्चुअली हाँ मेरे लिए सरप्राइज था, बच्चों के लिए भी सरप्राइज था, तो इन्होंने मुझे बताया नहीं कि बोलते कहीं जाना है, तो रास्ते में इन्होंने मुझे बताया कि हम लोग आज बच्चों से मिलने जा रहे हैं। और डिवाइन टच क्योंकि मैंने पाजी को बहुत बार कहा था कि कभी मुझे लेके चलना, कभी मिलवाना जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं या कुछ सीखते हैं। सो उम्मीद है कि जो भी बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे चल के ये हमारे देश का भविष्य है। सो दिल से दुआएं हैं इनके लिए, मिका पाजी के लिए, ईश्वर इनको और पैसा दे इनको और शक्ति दे, ये अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं। सो ये पहले हालाँकि मेरी ये पर्सनल मेरे ऐसा ओपिनियन है कि यार जो भी आप करते हो करते रहो, और शायद लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है, जब भी आप कुछ करते हो वो दुनिया को बताना ज़रूर चाहिए, क्योंकि उससे ये होता है कि 4 लोग जो हैं और इनकरेज होते हैं और अच्छा काम करने के लिए आते हैं। कई बार आपके पास सोर्सेज होते हैं लेकिन आपका ध्यान ही नहीं होता है, खाली मेरे ख्याल से एक ध्यान दिलवाने की ज़रूरत है। सो मिका पाजी की वजह से मैंने भी बड़े छोटे छोटे अच्छे अच्छे काम शुरू किए हैं और बहुत काम करते हैं और बताते नहीं, लेकिन बहुत हेल्पफुल है। पर यह है कि जो भी पाजी ये कर रहे हैं और हर बहुत सारी जगह पे ऐसा करते रहते हैं, लेकिन डिवाइन टच जो है, और आज जैसे गुरमीत ने अभी कहा कि मुझे भी ये नहीं पता था कि 4000 लड़कियां जो ऑलरेडी पास आउट हो चुकी हैं यहाँ से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके। सो बस ऊपर वाले से यही कामना करते हैं कि ये डिवाइन टच जो है ऐसे इसके साथ लोग जुड़ते जाएं, कारवां और बड़ा होता जाए, और जितने भी जो लोग हैं जिनको शायद इतना सपोर्ट नहीं है अपनी जो स्टडीज़ करना चाहते हैं, जो भी वो लाइफ में करना चाहते हैं, सो डिवाइन टच उनके लिए अच्छे अच्छे काम करता रहे, और हम सब मिका पाजी के साथ खड़े हैं हमेशा ही। वेल मैं तो इनका हमेशा फ़ैन रहा हूँ, और अब तो और बड़ा फ़ैन हो गया हूँ कि जिस तरीके से ये हेल्प करते हैं लोगों को। अभी एक एक्टर की इन्होंने बहुत हेल्प की तो सुन के ही बहुत खुशी हुई, और आज जब मैं इन बच्चों से मिला और जब मुझे मालूम चला कि इन्होंने 4000 बच्चों को पढ़ाया है, और इन बच्चों की मुस्कुराहट देख के, खुशी देख के इतना अच्छा लग रहा था। आई थिंक मेकअप अजी यू आर डूइंग सुपर्ब जॉब। यार आप दोनों आए हैं और इतना बच्चे खुश हैं आपको देख के, और बस आगे यूं ही चलते रहेंगे, अच्छे काम करते रहें। हमारी कोशिश है कि जितना भी सहयोग करें, जितनी भी हेल्प करें। सेवी सिद्धू बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, मैंने उनकी काफ़ी मूवीज़ देखी, मैं पर्सनली उनको जानता नहीं था, बट उनकी स्टोरी सुन के मुझे बहुत थोड़ा दुख लगा कि हमें सपोर्ट करना चाहिए। आफ्टरऑल बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, और बहुत सारे उनके फ्रेंड्स इंडस्ट्री में जो सामने नहीं आ पाए
सो मेरी खुद की मूवी अभी कंप्लीट हुई है आदत, जिसमें बिपाशा बासु हीरोइन है, करण सिंह ग्रोवर है, तो मैंने शुरुआत वहीं से उनकी कराई है। ही इज़ अ फैंटास्टिक आर्टिस्ट, तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम ऐसे लोगों को और सपोर्ट करें जो टैलेंटेड। कपिल सर, आपसे बैसाखी की कोई मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहोगे? मेमोरी वही, मैं जब हम लोग पंजाब में रहते थे तो ये फेस्टिवल ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मनाया जाता है, और जहाँ जहाँ पे भी किसान है। एक्चुअली मुंबई में इतना हमें कम सुनने को मिलता है, लेकिन जहाँ पे भी पंजाबी स्पेशली ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्लब्स बने हुए हैं, तो वो लोग बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आज की जो बैसाखी है ये बेस्ट है मेरी, आई थिंक सो, ये मेरी बेस्ट मेमोरी है। तो नेक्स्ट ईयर कभी आप मुझसे पूछेंगे कि मेरी बैसाखी की बेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो मैं ये बताऊंगा कि डिवाइन टच में जो हमने बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया। एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि इंडस्ट्री में अभी इलेक्शन चल रहे, तो इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने 600 के आसपास लोगों ने ऐसा अपील की है कि वोट ना करें, और वहीं कुछ लोगों ने अपील की कि वोट कर दें, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, वोट करना बहुत जरूरी है, एंड हमें लाइफ में बहुत सारे यू नो रिग्रेट रहते हैं, सरकार से भी, दुनिया से भी। हम अपने बारे में सोचें हम क्या करते हैं, अगर हम खुद सामने से सपोर्ट करेंगे। जैसे अगर मैं डिवाइन टच रन कर रहा हूँ, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं पहले इनके बारे में सोचूं, और जो भी आदमी सामने से सपोर्ट करे, हेल्प करे, वो आपने खुद देखना है, ना कि सरकार के ऊपर ही हम डाल दें कि सरकार ऐसी है, सरकार ऐसी है। तो जो चीज़ें हम खुद कर सकते हैं, हम सरकार पर डाल देते हैं। सो मैं चाहूँगा ज़रूर आप वोट करें, आपकी वोट बहुत कीमती है, लेकिन आपको चुनना है कि कौन सही है कौन गलत है। और जो भी सरकार आएगी ज़रूर हमारे देश के लिए अच्छी सोचेगी। सो मेरी बेस्ट विशेज़ है मोदी सर को भी और कांग्रेस को भी। कपिल सर, सेम सवाल आपसे, आप क्या कहना चाहेंगे कि बॉलीवुड में इलेक्शन आते ही ऐसा हो जाता है कि अलग अलग डिवीजन हो जाते हैं? नहीं, मुझे एक्चुअली आई एम नॉट अवेयर कि आप जो आपने बोला कि 600 लोगों ने ऐसा बोला कि वोट ना करो, हालांकि मैंने जितने भी सोशल मीडिया पर देखे हैं सभी, हाँ सब यही अपील कर रहे हैं कि आप वोट ज़रूर करें। बिकॉज अगर आप वोट नहीं करेंगे तो, अगर 100% वोटिंग नहीं होगी, 50% भी होगी, गवर्नमेंट तो तब भी कोई ना कोई फॉर्म आएगी। लेकिन अगर आपका योगदान रहेगा तो और अच्छी बात है, बिकॉज कल को आपको ये रिग्रेट नहीं रह सकता कि यार मैं चाहता था कि ये गवर्नमेंट आई है, ये पार्टी आई। सो वोट सबको करना चाहिए, आपका अधिकार है। थैंक यू, शुक्रिया। Thank you.